ये देखो ये रेस्टोरेंट वाली ट्रेन है यहाँ पे, और यहाँ हमारा ये तैयार भी हो गया है टोनर। इन फैसिलिटीज के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ती, कि ऐसा नहीं है किसी एम्यूजमेंट पार्क में जाओ। कम 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 हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज है संडे और आज का मौसम मस्त हो रहा है, बढ़िया आपको दिखाया, चांद भी निकल आया हुआ है। और इधर देखो फ्लाइट आ रही है, उधर ये रही चांद के पास से उड़ रही है, क्योंकि यहाँ डिसेल्डॉर्फ में एयरपोर्ट है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज के ब्लॉग में संडे में थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे रखेंगे हम अपना, क्योंकि 4-5 दिन से भागम भाग, कभी करवा चौथ की प्रिपरेशन, फिर करवा चौथ, फिर शॉपिंग, कहेंगे यूएन को लेके जाएंगे पार्क, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करेंगे। 2 ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो उनको जाके देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करो अपने दोस्तों साथ, सो दैट चैनल की ग्रोथ होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ऑलरेडी हम नहा धो चुके हैं तो तैयार है बिल्कुल। तो अभी हम निकल गए हैं बाहर, यूएन देखो साइकिल चला रहा है, और टम लीव्स अच्छा मौसम है तो आराम से बैठेंगे, चिल खाना वाना खा रहे थे ना, थोड़ा सा टाइम लगा और ज़्यादा कुछ था भी नहीं घर पे दिखाने के लिए, हम खाना वाना ही खा रहे थे बैठ के, ज़्यादा थोड़ी देर यूएन पढ़ रहा था तो इसलिए मैंने ब्लॉग करा भी नहीं। अब जा रहे हैं पार्क में बैठेंगे, थोड़ी देर धूप सेकेंगे, अगर कुछ होता है अच्छा तो दिखाएंगे, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इसमें बिल्कुल ही सिंपल रहा तो शायद इस ब्लॉग को अपलोड भी ना करूँ, और देखते हैं जैसा होता अच्छा बनेगा तो आपको ये ब्लॉग देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। आराम से बैठे हैं, सारे रिक्शे खेल रहे हैं, मौसम अच्छा होता है ना तो आराम से टाइम पता नहीं चलता, आराम से बैठो धूप में, नहीं तो जब हवा चलती है ना, एक तो यहाँ पे क्या होता है मतलब पूरी स्किन ना ड्राई हो जाती है, तो पता क्या होता है यहाँ पे ना, आप आराम से यहाँ बैठते हो ना तो मतलब आपके हाथों में ठंड लगती रहेगी, कितनी भी लेयरिंग पहन लो, इंडिया की तरह वाला हिसाब नहीं होता कपड़ों का, पीछे बच्चे खेल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आई रही होगी आपको, तो अवॉइड करो। पब्लिक प्लेस में बैठा हूँ तो भाई इतना तो हो गई, तो सॉरी फॉर देट, बट मैं ये बोल रहा था कि मतलब यहाँ पर अगर जैसे मतलब तुम नॉर्मल हम इंडिया की तरह कपड़े पहनते हैं ना तो वो नहीं हो पाता, यहाँ पे जब विंटर्स होती है ना तो हवा बहुत चलती है ठंडी ठंडी, तो आपको ना क्या होता है 2 या 3 लेयर अपनी पहननी पड़ती है, उससे ठंड खत्म होती है, सिर्फ गर्म कपड़ों से ठंड खत्म नहीं होती। अपना युवा ने यहाँ पे खेल रहा है मस्त जबरदस्त तरीके से, और देखो ये क्या आसमान दो है, क्या बड़े मोटे मोटे बादल हैं, और ये पेड़ के बीच में, चारों तरफ बिल्डिंग है और साथ में चर्च है, यहीं पे पार्क है, और यहाँ बच्चे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैसिलिटी है यहाँ बच्चों को खेलने के लिए, तो सैंड दे रखा है और ये साथ में पानी का है, वहाँ आगे आगे देखोगे तो बास्केटबॉल ग्राउंड है, टेबल लगा रखी है वहाँ पे, और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग है बड़े बच्चों का, क्लाइंबिंग के लिए बहुत सारी चीजें, तो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रखा है, तो हर एज के बच्चे यहाँ पर आराम से खेलते हैं, हर एज के बच्चे से मतलब आपका जो 7-8 साल 10-12 साल तक के बच्चों के लिए, इससे बड़ों के लिए भी यहाँ पर बहुत फैसिलिटी है, और बड़े बड़े ग्राउंड है, और ये एक ही होता है आस पास ना, हर लेवल के पार्क होते हैं, तो अच्छा मतलब ऑल दो यहाँ पे तुम पता है डेवलप कंट्रीज होते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो बच्चों के लिए फैसिलिटी अच्छी होती है, तो आराम से आप कभी भी वीकेंड में, आपको ये नहीं होता कि आज क्या करें क्या नहीं करें, हर समय आपको टीवी में घुसे रहने की जरूरत नहीं है कि एवरी टाइम आप टीवी में रहो, और टीवी से ही आपको मतलब इंजॉय करना है, आपका वीकेंड वहीं पास होगा, बस यही है कि आप
अपने आप में अपनी फैमिली को अपने अच्छे टाइम दे सकते हो वीकेंड में, चाहे आप अपने घर में रह के चाहे आप बाहर निकल के, उन्होंने इस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। इन फैसिलिटीज के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, कि ऐसा नहीं है किसी एम्यूजमेंट पार्क में जाओ, मॉल में जाओ, वहाँ जाके आपको मिलेगा। आराम से आप यहाँ पे आओ, अपना खाना बना के लाओ, आराम से यहाँ बैठो, बच्चे यहाँ खेलते रहेंगे। इन्होंने साइड में चेयर्स भी रखी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ, देखो वो देखो वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, हम वहीं बैठे रहते हैं। मेरा मन नहीं था, मैं इस साइड आके बैठ गया था, नहीं तो चारों तरफ वहाँ भी देखो, वहाँ भी चेयर है और टेबल भी है, उन पर लोग बैठे रहते हैं आराम से, आपका सामान बना के लाते हैं वीकेंड में, सब खाते रहेंगे पीते रहेंगे। चला आगे, यहाँ इसने खेल दिया, अब जाएगा कहाँ? इवन कहाँ पे है वो? चलो रोप पे चलो, वहां तो बहुत भीड़ हो रही है। कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, चलो इवान छोड़ दो इसको यहीं पे। कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो आप, कौन गुड 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 बॉय, अंदर आ जाओ। क्या कर रहे हो युवान? कहाँ से जंप करना है? ओके तो अब अभी आप लटक जाओ, चलो तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पीछे देखो ये पूरा पार्क है यहाँ पे, तो ये मैं इसकी बता रहा था, ये है पूरा बास्केटबॉल कोर्ट इधर, और ये पूरा स्विंग वाला है इधर, और ये बास्केटबॉल कोर्ट है। You want go go up? बारिश हो गई है, तो अभी बारिश हो गई है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं पेड़ के नीचे, यहाँ पे ये पार्क और यहाँ युवा और यहाँ हम पीछे। देखो ये रहा, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ बास्केटबॉल कोर्ट, दिस इज बास्केटबॉल कोर्ट, और बैठे हैं थोड़ी देर वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हल्की सी बारिश थोड़ी चल रही है, तो रुकी जाए तभी चले, हमें कहाँ जाना आगे हम डिसाइड करेंगे, 5 मिनट दो उसके बाद बताते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो हमने अभी डिसाइड किया कि हम जाएंगे अंकिता के यहाँ, अंकिता के यहाँ कुछ सामान हमें देना था, तो करवा चौथ वाले दिन वो आई थी, तो वो अपने कुछ पूजा के सामान लेके आई थी, तो वो हमारे यहीं रह गया था, तो अभी हम वो देने जा रहे हैं, वो वहाँ से देके आएंगे और चलते हैं, पहले तो उनके यहीं पे आते हैं और फिर घर पे आएंगे और देखेंगे क्या करेंगे।
चलो ग्रीन है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अंकिता के यहाँ। बेल बजा दी है, खुली? हाँ खुल गया। चलो 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 फोर्थ फ्लोर पे चलो चलो। अंकिता क्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो अभी हम यहाँ डोनर पे रुके हुए हैं। अंकिता के यहाँ से हम आ गए थे और यहाँ से हम डोनर ले रहे हैं और साथ में यहाँ इसमें पिज्जा मिल जाता है वेज में और फलाफल वाले मतलब जो दो तीन चीज मिल जाती हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन या नॉन वेज हो तो आपको यहाँ पे खाने के लिए मिल जाएगा, अच्छा होता है इसका। और ये पूरे यूरोप में बहुत सारी जगह होती है, ये टर्किश मतलब शॉप होती है तरीके से, तो रिकमेंडेड है अगर आप आ रहे हो तो इस यहाँ पे अभी आप खाना आ सकते। ये देखो ये रेस्टोरेंट वाली ट्रेन है, यहाँ पे यहाँ लोग बैठे रहते हैं आराम से, अपना शहर घूमते रहते हैं और अपना पार्टी चलती रहती है इसमें। और यहाँ हमारा ये तैयार भी हो गया है डोनर। तो अभी हम लेके आ गए हैं डोनर और पार्क पे पहुंच गए। अंकिता के यहाँ सातवें रास्ते में पड़ता है बीच में, नहीं देखो खाली हो गया है पूरा पार्क। ये देखो क्या बढ़िया लाइट चल रही है सामने येलो। अब इंडिया में तो ये येलो लाइट ना सीट की खत्म होती जा रही है और यहाँ पे ना स्टार्टिंग में जब आए थे ना तो ये येलो लाइट ना बड़ी डिप्रेसिंग सी लगती थी। इंडिया में व्हाइट लाइट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप देखो घरों में भी ना येलो लाइट दिखाई देगी, यहाँ पे हर जगह येलो लाइट मिलेगी आपको। व्हाइट बल्ब तो ढूंढने पड़ते हैं, व्हाइट बल्ब मिलते भी नहीं है यहाँ पे। और व्हाइट जो होता भी है ना, एक तो यहाँ पे एलईडी बल्ब चलते हैं उसकी लाइट भी बहुत कम होती है और येलो ही मिलते हैं जो मैक्सिमम मिलते हैं आपको। ये देखो सारे बिल्कुल येलो येलो बल्ब मिलेंगे। और ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है बीच में से, क्या मस्त। सही लग रही है ना जाती हुई। तो फाइनली हमारा खाना लग चुका है, फ्राइज और रैप हमारा साथ में कोल्ड ड्रिंक खाते हैं। अब भूख भी लग रही है, शाम का टाइम हो चुका है और अपना रैप खाते हैं अब हम, है ना। और साथ में थोड़ी बहुत अभी अभी चालू नहीं करी है, एडिटिंग करूंगा वीडियो को और इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और एज ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, से बाय।